नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरफैक्ट यूट्यूब चैनल। एनिमल मूवी इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी में भर चुका है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस मूवी इतना ज्यादा चला है कि आपके डेट में उसका 1000 करोड़ रुपीज इनकम हो चुका है। एनिमल मूवी देखने के बाद रणवीर सिंह, एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भंगा को 40 मिनट्स तक मतलब फ़ोन करके बातें की उनके साथ, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मैसेज लिख कर फॉरवर्ड किया। और संदीप रेड्डी भंगा ने मीडिया के सामने यही बात की है, लेकिन उन्होंने क्या बात की है और मैसेज में क्या लिखा है उसके बारे में संदीप रेड्डी भंगा को जब मीडिया के रिपोर्टर ने पूछने लगा, तब उन्होंने बोले कि एनिमल मूवी से पहले शाहिद कपूर का जो कबीर सिंह मूवी आया था, उस कबीर सिंह में भी शाहिद कपूर के नहीं, कपूर को नहीं बल्कि रणवीर सिंह को लेने वाले थे, लेकिन रणवीर सिंह उस कुछ पर्सनल इशूज़ दिखाकर उस मूवी भी साइन नहीं की थी। और इस बार एनिमल मूवी के लिए भी रणवीर सिंह को चुना गया था, लेकिन रणवीर सिंह एग्री नहीं हो रहे थे, तो रणवीर कपूर को इस फिल्म मिला। संदीप रेड्डी भंगा ने यही कह रहे थे कि इस मूवी देखने के बाद रणवीर सिंह जो मैसेज और फ़ोन करके बताया था, वो सारे मतलब इस मूवी के अच्छे के बारे में ही बात कर रहे थे। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसको संदीप रेड्डी भंगा ने बताया कि मुझे इस तरह से चीज़ें खुद को भी नहीं पता था, लेकिन रणवीर सिंह उस मूवी इतना ज़्यादा ध्यान से देखा कि उस सीन्स के बारे में भी उन्होंने बात करने लगा, और ये काफ़ी अच्छा लगा संदीप रेड्डी भंगा को। लेकिन अगले फिल्म जो एनिमल का जो सीक्वल आने वाला है, एनिमल पार्क, उसका राइटिंग या फिर दूसरे चीज़ों से संदीप रेड्डी भंगा ने अभी व्यस्त है, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने रणवीर सिंह को लेंगे या फिर कौन सा एक्टर को उन्होंने लेने वाला है वो तो खुलासा नहीं हुआ है, और संदीप रेड्डी भंगा इसको मतलब सस्पेंस पे रखना चाहते हैं। हालांकि इसका सिक्वल के बारे में सोच ली है, तो इसके जो एक्टर है उनके बारे में शायद सोच लिया होगा, लेकिन वो मीडिया के सामने नहीं बताया गया है। इतना सारा कंट्रोवर्सी के बाद भी इस मूवी एनिमल मूवी इतना सारा पैसा कमा ली, और OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे भी मतलब रिलीज हुआ है, और हुआ भी बहुत सारे लाखों के ऊपर, कुछ दिन के अंदर ही वो 70 लाख के आसपास व्यूज थे, लेकिन अब के डेट में वो करोड़ों के ओवर हो चुके होंगे, क्योंकि वह पे कुछ ऐसा सीन्स है जो फिल्मों में नहीं दिखाया गया लेकिन OTT प्लेटफॉर्म में दिखाया गया है, जो कि व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। इसी तरह से हर तरह की मूवीज़ के अननोन फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।